नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप जुड़े हुए हैं वेदमी यूट्यूब चैनल के साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी पर्सनल एजुकेटर हो या कोई भी यूट्यूबर हो, उससे पढ़ने वाले जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से सारे के सारे स्टूडेंट्स कभी क्वालिफाई नहीं करते और सारे के सारे फेल भी नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं भी करते। ऑल दो कोचिंग या कोई भी एजुकेटर या कोई भी पर्सन जनरली उन्हीं के ऊपर जो है क्रेडिट लेता है या उन्हीं के ऊपर प्राउड फील करता है जो कि क्वालिफाइड होते हैं। नॉन क्वालिफाइड लर्नर्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हर कोचिंग और हर प्लेटफॉर्म में ही होता है। फिलहाल के तौर पे मुद्दा ये नहीं कि जो है कौन बात करता है कौन नहीं करता, लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर जब एक प्लेटफॉर्म, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या एक एजुकेटर या एक यूट्यूबर अगर बराबर अपना एफर्ट सारे बच्चों पर शो कर रहा है तो कुछ बच्चे ही क्वालिफाई क्यों होते हैं और कुछ बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं होते हैं। तो इसका जवाब अगर थोड़ा सा लॉजिकली ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो समझ में आएगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए, फ़र्ज़ करिए कि आप एक जो है नदी के इस पार हैं और आपको नदी के उस पार जाना है, लेकिन वहाँ पे कोई नाव नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू जो है आप नदी को क्रॉस कर सकते हैं और आपको शायद स्विमिंग भी उतनी अच्छी ना आती हो, ठीक है। तो अब आपके वो किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती है। अब वो जो स्किल आपके पास नहीं था उस स्किल को आपको सीखना पड़ता है। तो अब कोई भी टीचर या कोई भी जो है फर्म आपको क्या कहता है, या तो आपको स्विमिंग सिखाएगा कि आप नदी को तैर के पार करिए, या तो आपको वो एक नाव अवेलेबल कराएगा ताकि आप नाव में बैठ के करिए, या कोई जो है ब्रिज वहाँ पे बनाएगा ताकि आप कोई भी वहाँ से पार कर सके, ठीक है। तो वो ब्रिज सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर होगी, वो ब्रिज या वो नाव सभी के लिए बराबर होगा, और जो स्किल सिखाया जाएगा वो सभी के लिए बराबर होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस यहाँ आता है, फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं हूँ, मैंने इस नदी के इस पार और उस पार एक ब्रिज बना दिया और मैंने कहा कि अब आप इस पार से उस पार जा सकते हैं, आप प्री क्वालिफाइड से जो है क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कदमों को नहीं बढ़ाएंगे ना तो आप नदी से इस पार से उस पार जा ही नहीं सकते। मतलब मैंने अपनी पूरी मेहनत करके पुल बना दिया, किसी ने अपनी पूरी मेहनत करके आपको स्विमिंग सिखा दी, या किसी ने अपनी पूरी मेहनत करके आपको नाव दे दी, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे या आपने अपने एफर्ट को वहाँ से कंजूसी कर ली तो आप उस पार से इस पार आ ही नहीं सकते या इस पार से उस पार जा नहीं सकते। तो द बेसिक डिफरेंस जो आता है ना वो ये समझने की बात है कि कहाँ आया बेसिक डिफरेंस, आया आपके एफर्ट में, और यही आपको समझाना है। आप चाहे मुझसे पढ़ रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, किसी भी फर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी एजुकेटर या कोई भी पर्सन है, उससे जितने भी बच्चे होते हैं वो क्वालिफाइड वो लोग होते हैं जो लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिन्हें सेल्फ अवेयरनेस है, जिन्हें पता है कि उनकी मेहनत ही उन्हें क्वालिफाई कराएगी। देखो, मैं हूँ या कोई भी टीचर हो, सभी स्टूडेंट्स उसके लिए बराबर होंगे, वो सभी के लिए बराबर मेहनत करेगा क्लास में, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लास में बराबर सबको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? क्लास के होने के बाद जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, जब वो प्रैक्टिस करता है, जब वो रिकॉल करता है तो वो कितनी मेहनत कर रहा है, और वो जो मेहनत होती है वो एक्चुअली में क्वालिफिकेशन में डिफरेंस क्रिएट करती है। याद रखिए, कोई कोचिंग, कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल बच्चों पे फोकस तो करता नहीं है। आखिर में कुछ बच्चे ही क्वालिफाई क्यों होते हैं और कुछ डिसक्वालीफाई क्यों होते हैं उसी एजुकेटर के, उसी फर्म के? तो जो डिसक्वालीफाइड इसलिए होते हैं क्योंकि डिसक्वालीफाइड जो बच्चे होते हैं वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करते, और जो क्वालिफाइड होते हैं वो अपने ऊपर मेहनत जेन्युइनली और अच्छे से कर रहे होते हैं। अब कई लोग सवाल करेंगे कि जो डिसक्वालीफाइड है क्या वो हमेशा मेहनत नहीं करते? तो करते हैं, लेकिन उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इल्यूजन बेस्ड मेहनत करते हैं, मतलब बस कॉपी लेके बैठे रहेंगे लेकिन इफेक्टिवली स्टडी नहीं करते, अपने कमियों को नहीं ढूंढते, उसे इंप्रूव नहीं करते, बस नाम की पढ़ाई कर रहे होते हैं, या कुछ बाई लक किसी होते हैं, कुछ ऐसे जेन्युइन भी होते हैं, 2-4% की मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन किसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो है या तो एग्जाम अपीयर नहीं कर पाए हेल्थ इश्यूज की वजह से, या किसी कुछ और डायलेमा की वजह से नहीं कर पाए एग्जाम को क्रैक 1-2 नंबर से। तो वो जनरली मेहनत वाले बच्चे होते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो डिसक्वालीफाई होते हैं उनकी अंतरात्मा जानती है कि हमने मेहनत कितनी करी थी और हमने 100% दिया कि नहीं दिया। अगर आप खुद को इवैल्यूएट करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि हम सच में कितने पानी में और हमें सच में कितनी मेहनत की ज़रूरत है या थी। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आप कितने पानी में और आपको कितनी मेहनत करनी है। सीधी सी बात है, कोई जो है अच्छे बेसिक्स के साथ आ रहा है तो उस 6 महीने में क्वालिफाई करेगा, कोई और एक बार पढ़ के आ रहा है तो उसे 3 महीना ही लगेगा, किसी ने कभी कोई बेसिक्स पढ़ा नहीं उसे साल भर भी लग सकता है। तो आप कहाँ पे हैं और उसके बेसिस पे आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और अगर ये डिसाइड करके आप मेहनत करेंगे, और आपको ये सबसे पहले मानना होगा कि क्वालिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, चाहे किसी फर्म से जुड़े हों या ना जुड़े हों। आप सेल्फ स्टडी से भी क्वालिफाई कर सकते हैं, कोचिंग सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप जुड़े हैं किसी फर्म से तो फर्म आपको एक ब्रिज बना के देगा, चलना आपको ही पड़ेगा उस पे से। आप जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, और जितना जल्दी आप ये अपने प्रिपरेशन के अर्ली स्टेजेस में जान पाएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आप फ्यूचर में जब भी जो है पूरा टाइम 5-6 महीने बचेगा उसमें आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट इज़ द की। मैं हमेशा कहता हूँ कि ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल अंधेरों में भी, ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल अंधेरों में भी, जुगनुओं को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें भरोसा होता है खुद पर उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो बिलीव इन योर सेल्फ, इंप्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लेके जाओ, अपनी गलतियों को ढूंढो, उन्हें इंप्रूव करो, बाकी चीज़ें अलग है। लेकिन जितना मेहनत आप अपने ऊपर करोगे, जितना आप स्पून फीडिंग से बचोगे, जितना आप डिपेंडेंसी से बचोगे, आजकल के बच्चों में ड्रॉबैक ऐसा होता है कि हर चीज़ के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप से सब चीज़ों पर लगे रहते हैं, हर कोई जवाब जो है कमेंट बॉक्स में किसी और से चाहिए,
कोई भी डाउट आता है, कोई भी पीवाईक्यूज आता है, वो खुद बैठ के सॉल्व ही नहीं करना चाहते, खुद बैठ के रीड नहीं करना चाहते, हर चीज़ का चाहते हैं कि सोल्यूशन मिल जाए, सोल्यूशन निकालना नहीं चाहते। एंड इसी वजह से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपसे सोल्यूशन निकलता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ट्रेनिंग सोल्यूशन को पाने में करी ही, सोल्यूशन को निकालने में नहीं करी है। क्योंकि आप जब अपने पर्सनली तैयारी कर रहे होते तो उसमें आपको जो स्किल डेवलप करना है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करना है, आपको सोल्यूशन निकालने का तरीका ढूंढना है, ना कि कोई एजुकेटर से ये पूछना है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कैसे। ठीक है, यस, कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक्स है, वो तो सारा काम करता ही है एजुकेटर, टीचर, जो भी फॉर्म है, लेकिन उसके बाद जो मेहनत करनी है वो आपको डेवलप करनी है। आप हर चीज़ के पीछे अगर एक दूसरे पर्सन, चाहे वो टीचर ही क्यों ना, उस पर डिपेंडेंट हो जाए, वही आपको गूगल करके दे, वही आपको फॉर्म भरना सिखाए, वही आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाए, वही आपको सब कुछ करे, तो ये तो उसकी मेहनत हो रही है, आप वीडियो के थ्रू ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर केस जिसकी वजह से आजकल के स्टूडेंट्स का जो है ये कह सकते हैं मेंटल पैरालिसिस जो है वो होता है, कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि मुझे इंप्रूव करना है। इसीलिए जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आपसे ना बने तो अपने नोट्स, बुक्स और मटेरियल्स का सहारा लीजिए, जब उससे भी ना बने तब आप किसी टीचर की मदद लीजिए। अगर आप ये इस तरीके से चलेंगे ना तो आप लिटरली एक चीज़ को पढ़ने के लिए कई चीज़ पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए, एक बार खुद के इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करके देखिए, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको जानना जरूरी है, कि कोई कोचिंग, कोई भी पर्टिकुलर एजुकेटर आपको क्वालिफिकेशन नहीं दिला सकता जब तक आप खुद उतनी मेहनत ना कर रहे हो सेल्फ को इंप्रूव करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं यही सीख देना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स करके जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।